की गई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? शिकायतकर्ता विजय सिंह सोलंकी ने दिनांक 23 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत किया कि वह रेसर के पद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर से सेवानिवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्रकरण तैयार करने व कोषालय पेश करने के लिए CMHO कार्यालय खंडवा के लिपिक पीयूष चौकड़े द्वारा 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पीयूष चौकड़े लिपिक Grade 3 को CMHO कार्यालय खंडवा से रंगे हाथ पकड़ा। 7,000 रुपये ही मांगे। तो किस तरह की कार्रवाई हुई है? मतलब अपराध पंजीबद्ध कर आगे साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह से रुपए ये ले रहा था और किस तरह से आप लोगों ने पकड़ा? हम बाहर थे, वो तो आवेदक ही देखता है कैसे लिए कहाँ। सर उसी ऑफिस में मौजूद था या उसी ऑफिस में मौजूद? नाम बताइए। नाम दिनेश चंद्र पटेल, DSP लोकायुक्त कार्यालय इंदौर। हो गया? हाँ बोलो भैया। हाँ बताइए भैया। नाम बताइए, ये बताइए कब रिटायर हुए थे? और एक मैं विजय सिंह सोलंकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर में पदस्थ था, ड्रेसर के पद पर, और मैं 31 मई को रिटायर हो गया जावर से। और हमारा CMHO ऑफिस लगा है खंडवा, और मेरे ये पीयूष चौकड़े जो है बाबू है, और मेरे रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए मेरे से रिश्वत की मांग करी, तो उन्हें 18,000, उसमें तोड़ी करके 7,000 रुपये में बातचीत हुई। और इसमें मैं तुम्हारे पूरे प्रकरण कर दूंगा और तुमको पैसे मिल जाएंगे। आज किस तरह से पैसे दिए आज मेरे दो रोज पहले और मैं गया था तो बोले कि पैसे लगे, मेरे को आगे देना पड़ता है, CMHO को देना पड़ता है, ट्रेजरी में देना पड़ता है, तो इतने तो तुमको लगेंगे, तो कुछ काम करने कम नहीं हो गया, इतने लगेंगे। फिर 7,000 रुपये में बातचीत हुई, फिर आज मैं पैसे लेके आया और उनको पैसे दिए। 7,000 CMHO ऑफिस में उनकी पर्ची कर जहाँ बैठते हुए। लोकायुक्त से कब संपर्क किया था? लोकायुक्त में 2 दिन पहले संपर्क कर चुका हूँ। आपने CMO से भी संपर्क किया? CMHO से संपर्क नहीं किया, तो पूरे तो खाने वाले बैठे किससे संपर्क करेंगे? उनका भी हिस्सा लेता है। हाँ उनका भी हिस्सा बोला ना उसने कि उनको देना पड़ता है, ट्रेजरी में देना पड़ता है। ठीक है।